जोकीहाट के करहारा गांव में देर रात एक आदमी की 30 धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। वहीं पूर्व सांसद सरफराज आलम भी घटना स्थल पर मौजूद थे। जब तक जिला का एसपी साहिबा आए वो आए और उच्च स्तर से वो जांच कराए, उच्च स्तर से वो देखे, उसके बाद फिर लाश जाएगा उसके पास। जब तक एसपी साहिबा नहीं आएगा पोस्टमार्टम करके क्या करेंगे? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं सर, पोस्टमार्टम करके क्या फायदा? कोई फायदा है? हमको रिपोर्ट बना के देगा, आपके थाना में केस करो और उससे बढ़कर कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ रजा। आपका क्या नाम? मोहम्मद आलम अंसारी। जी सर, आपका? जी मोहम्मद रहनवा सर। आप लोग सभी इसी गांव के हैं? करारा गांव के हैं। कौन सा थाना है ये? थाना वाना कुछ नहीं है, और जो यहाँ होते रहता है ये गांव में। ये किसान आदमी है। जी जी, किसान आदमी अगर अगर 4 बजे तक काम करते हैं, हम लोग को यहाँ रास्ता नहीं है। जी जी, रात में अगर काम नहीं करेंगे जी जी, तो किसान आदमी कब तक रहेगा? जी जी, तीन दिन में काम कर सकते हैं जी जी, तो रास्ता आने के लिए यहाँ परेशानी है। अगर रात दिन का काम नहीं करेंगे तो हम लोग के पास तो कोई नौकरी है नहीं। जी जी जी, जो नौकरी से हम अपना पेट भरेंगे जी, मिट्टी में मरना है, मिट्टी में जीना है हम लोग को। जी जी, अगर ऐसे बार बार अगर किसी कोई बोला कि कर दो करके नहीं देंगे, तो किसान कोई दो आदमी चार आदमी आकर के कोई चाकू मार दे, कोई जान मार दे, तो बार बार ये घटना यहाँ होते रहता है। यानी मजदूरों को भी, मजदूरों को भी डर सता रहा है इस गांव में। मजदूर को भी, ये तो रास्ता नहीं है हमारे पास, यहाँ कुछ भी नहीं है। और हम प्रशासन से यही कहते हैं कि उच्च स्तर से इसका जांच हो। जी जी, हम लोग जो है दुर्घटना जो होता है जी, इसका कोई सल्यूशन निकले। जी, वो पूर्व में जो 3 घटना हुई है उसका कोई अभी तक किसी तक कुछ नहीं किया है। हम लोग यही चाहते हैं। उच्च स्तरीय जाँच आप लोग की मांग कर रहे हैं अभी। जी जी, बार बार यहाँ मर्डर हो रहा है और उसको कम्प्रोमाइज करके यहीं का गांव का आदमी खत्म करता, मारता ही का आदमी और खत्म ही का आदमी करता, ये कोई नियम कायदा है क्या? जी 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 जी, कोई चीज का हल होना अभी 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 समाज के लिए है, जो मिलके करेगा बहुत अच्छा करेगा, सबके लिए होगा ना। आज उसका बाड़ी है, कल मेरा बाड़ी है, बाहर जाता है, बाहर से आता है। हम लोग भी 10 बजे रात में चलते हैं, 8 बजे हम लोग भी खेती करते हैं, हम लोग का खेती यही है, सारा खेती यही है, सारा खेती यही है, सब कुछ यही पे है। चारों तरफ से खुला है पूरा एकदम, ये ना और इसका निर्णय ले, अच्छा निर्णय ले। जी 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 जी, अभी सब रखा हुआ, आप लोगों का क्या मांग है अभी? मेरा मांग है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक लाश यहाँ से नहीं जाएगा। मेरा नहीं, पूरा पब्लिक का कहना है। नहीं अभी का कहना है, अभी तो वर्तमान में लाश खुली ना होगा आपको। पर वहाँ पर जो सरे हम लोग बोलते हैं, मतलब मैदानी जो इलाका है, एक छोटा है नदी का, वहाँ पर एक उसी गांव के करहरा के व्यक्ति हैं मुजफ्फर, वो अपना भाड़े पर खेत जोतते हैं, तो ये देर रात तक खेत जोत रहे थे, फिर वापस नहीं गए, तो इनका सुबह में इनका लाश मिला जिसमें चाकू से वार किया। उनकी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी, लगता है 12 बजे और 3 बजे भोर के बीच में। अगर ये पता चला है घर वालों को, सब लोग गए हैं, उनका मोबाइल और ट्रैक्टर की चाबी उनके पास से गायब है, तो हम लोग पता लगा रहे हैं उस एरिया में रात में कौन कौन लोग थे और किन लोगों की गतिविधि है, किन से उनको कुछ जलन या दुश्मनी थी, इस लाइन पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। कुछ सुराग हम लोग को मिला है, तो हम लोग आगे उसी आधार पर काम करेंगे, जल्द से जल्द इसका उद्भेदन हो जाएगा, हम लोग काम करेंगे आगे, तो उससे मामला हल हो जाएगा सर। नहीं होगा, अच्छा कहीं पहुंचे से हम एक आदमी बोले नहीं इतना एसपी आए, अच्छा वो अपना घटनास्थल से देख के जाए, हम क्या उच्च स्थल से देख के जाए, अब तो कहाँ कोई निर्णय ले ले। अच्छा तो एसपी क्या निर्णय ले लेंगे? वो आएंगे आगे से। आपका ये 2 दिन के बारे में सर बोल रहे हैं ना, 2 दिन आप लोग बर्दाश्त किए, हम कह रहे हैं कि 2 दिन में हम लोग निपटावा करने के लिए बोल रहे हो, रिजल्ट हम लोग को नहीं मिलेगा। कितना बजे कोनो मर्द धमकी वमकी दे आते रहे की ओकरा कोई कहते रहे धमकी तमकी दे? गाड़ी वाला राती जे चलते रहे। कौन गाड़ी वाला? रिजवाना गाड़ी चाली लेकर संगे संगे चले चले।
ये गाड़ी क्या कर रहा है? रिजवान गाड़ी तो रही कौन रिजवान दूसरा गाड़ी बुला दूसरा गाड़ी बुला रिजवान शरीफ आदमी हाँ सही बोली यह बात वही बस बस वो कंपटीशन अच्छा इस पीक आवे धन गाड़ी वहाँ रहेगी गाड़ी यहाँ तेज है लाल दया नस्ता जे खिलावे ले लाल के खते ना कते देख ले के ते तक कते रहे वो वहाँ जोत करते रहे और दूसरा गाड़ी कते रहे कौन मार वो कौन आमा ओ अलग अलग जोत करते हैं दोनों गाड़ी ओ फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल जिसमें आपको मिलेगा 24 घंटे सातों दिन आपातकालीन सुविधा आईसीयू एनआईसीयू जनरल फिजिशियन स्त्री रोग शिशु रोग विशेषज्ञ ऑर्थो फार्मेसी डिजिटल एक्सरे अल्ट्रासाउंड कंप्यूटराइज लैब एम्बुलेंस की सुविधा जनरल वार्ड एवं डीलक्स वार्ड की सुविधा हमारे अनुभवी सर्जन एवं डॉक्टर के द्वारा हमेशा आपकी सेवा में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हमारा पता है हॉस्पिटल रोड 0 माइल अररिया। We'll be right back.